तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा है वो नशे की तस्करी को बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है और तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं सड़कों पर आए हुए हैं नशे के खिलाफ। तो इन्होंने थाने में भी जाकर इसके खिलाफ दरखास्त दी है, सीएम विंडो पे भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन उसके कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने 2 महीने वेट करके तब आज ये जो युवाओं ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। अगर हमारा देश का युवा नशे के अंदर जकड़े गया, अगर हमारा देश का युवा नशे के अंदर जकड़े गया तो देश का भविष्य क्या रहेगा? हमारा हरियाणा कभी सोने की चिड़िया होता था? सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि वो उनको नशे की लत लगी है, उनके माँ बाप नशे के पैसे देते नहीं हैं, वो कहीं डाका मारते हैं, किसी की चैन खींचते हैं, किसी की मोटरसाइकिल उठाते हैं, उनका काम चोरियों का हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी जितनी भी चोरियाँ हुई हैं ये नशे की वजह से हो रही हैं। यहाँ पर एक तो अभी थोड़े दिन पहले शराब पीकर उस सुबह सुबह जैसे शराब पी और उसने अपने भाई का ही कत्ल कर दिया, ये पुलिस चौकी के सामने एक दो गली सामने की ही बात है। ये सीएम सिटी में कम से कम 100 खुर्दे ऐसे होंगे जहाँ घर घर में शराब बिकती है। तो क्या लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस क्या कार्रवाई करती है? ऐसा है आप 8:30 के बाद ना आप आ जाना, फिर आपको एक नजारा और दिखा दूंगा मैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आकर जो आप प्रोटेस्ट करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं।